नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज है 1 फरवरी 2023 और आज हमारे देश का यूनियन बजट पेश हो चुका है। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं हर बार बजट पर आपको बताता हूं कि हमारे रेलवे को क्या मिला, क्योंकि आप लोगों को पता है अब यूनियन बजट के अंदर ही हमारा रेलवे बजट आता है। इससे पहले जो आम बजट आता था, अब उसके साथ रेलवे बजट को मर्ज करके यूनियन बजट पेश होता है। तो रेलवे बजट के बारे में अब धीरे धीरे जब भी बजट पेश होते हैं साल दर साल, उसमें रेलवे की बातें अब कम होने लगी हैं। वो सीधा सीधा बोल देते हैं कि हम इतना एक्सपेंडिचर करने वाले हैं और उससे ये मालूम नहीं पड़ता है कि वो क्या क्या नया लाने वाले हैं। तो इस बार हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने सिर्फ इतना बोला कि वो कितना खर्च करने वाले हैं, कितना व्यय होगा रेलवे पर। और ये एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इस बार कुछ चेंज आया है। 2.4 लाख करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं रेलवे को इस बार। और ये अभी तक का मेरे जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं पिछले सालों में बजट के, उसमें सबसे ज्यादा बजट है दोस्तों। और बताया जा रहा है इस सरकार का जो कार्यकाल है 2013-14 से जो शुरू हुआ था, तो उस टाइम पर पिछली सरकार का जो बजट आया था रेलवे के लिए, उस बजट का 9 गुना है ये वाला बजट। और पिछले बजट से, जो पिछले साल का बजट था, उससे 4 गुना है ये वाला बजट, बताया जा रहा है जिस तरीके से। तो 2.4 लाख करोड़ रुपए अगर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास आने वाले हैं, सोच सकते हैं आप। हमारे यहाँ पर जो डबलिंग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, नई ट्रेन लॉन्च हो रही है, वैगन्स आ रहे हैं, और ICF ट्रेनों का LHB-fied होना जो अभी लगातार चला जा रहा है, उसमें कितनी ज्यादा तेजी आ सकती है, कितनी बड़ी तेजी आएगी, आप सोच सकते हैं। इतना सारा पैसा आ रहा है और रेलवे में जो एमिनिटीज को इंप्रूव करा जा रहा है, उस पर भी बहुत ज्यादा खर्चा होगा, क्योंकि इस तरीके के बजट को देकर के लग रहा है। इस बार बहुत ज्यादा पैसा आ चुका है रेलवे के पास में। अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऊपर है कि वो किस तरीके से इस पैसे को खर्च करेंगे। बाकी आगे आने वाले टाइम में मेरे को कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अंदर और भी कुछ बातें कही गई हैं डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद, मुझे पता लगेगा, तो उसके लिए मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या वैगन्स के ऊपर खर्चा होने वाला है, रेलवे अमेनिटीज के ऊपर, इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर, ट्रैक के ऊपर क्या क्या खर्चा होने वाला है, और कुछ नए रेलवे प्रोजेक्ट भी अगर ऐड हुए होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो आगे आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। तो आप लोगों को बजट कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।